बॉलीवुड से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी है। वे 34 साल के थे। सुशांत बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय एक्टर थे। रिपोर्ट्स के अनुसार सुशांत के कुछ दोस्त भी उनके घर पर थे। उनके कमरे के दरवाजे को जब तोड़ा गया तो रूम में सुशांत फांसी के फंदे से लटके हुए थे। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार वे पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन के शिकार थे। आपको बता दें, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी एक्टर के तौर पर की थी। उन्होंने सबसे पहले किस देश में है मेरा दिल नाम के धारावाहिक से करियर की शुरुआत की। उन्हें पहचान एकता कपूर के धारावाहिक पवित्र रिश्ता से मिली। इसके बाद उनका फिल्मों का सफर भी शुरू हुआ। वे फिल्म काये पोचे में लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे और उनके अभिनय की शानदार तारीफ हुई थी। सुशांत इसके बाद शुद्ध देसी रोमांस में वाणी कपूर और परिणीति चोपड़ा के साथ दिखे थे। हालांकि उन्होंने सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का किरदार निभाकर बटोरी थी। नीरज पांडे द्वारा निर्देशित एमएस धोनी की बायोपिक सुशांत के करियर की पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का कलेक्शन किया था। सुशांत इसके अलावा फिल्म सोन चिड़िया और छिछोरे जैसी फिल्मों में नजर आ चुके थे। उनकी आखिरी फिल्म केदारनाथ थी जिसमें वो सारा अली खान के साथ दिखे थे। सुशांत की अपकमिंग फिल्म खिजी और मैंने थी, इस फिल्म का कुछ समय पहले फर्स्ट लुक भी जारी हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत बिहार के पूर्णिया के रहने वाले थे और पूर्णिया सीमांचल का एक जिला है। उनके पिता सरकारी अधिकारी हैं। सुशांत के सुसाइड से बिहार में मातम का माहौल है। पटना स्थित उनके आवास पर पिता सदमे में अचेत अवस्था में पड़े हैं। अफरा तफरी के माहौल के बीच कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। लगातार ये बात कही जा रही है कि सुशांत बीते कुछ महीनों से डिप्रेशन में थे। हाल ही में उनके मैनेजर ने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद आज सुशांत की सुसाइड का उस घटना से कोई रिश्ता है या नहीं, पुलिस इसकी जांच कर रही है।